हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग? अगर आप भी प्लेन मैगी खा खा कर बोर हो गए हो तो चलिए आज हम बनाते हैं स्पाइसी वेज मैगी की रेसिपी। तो सबसे पहले हम पैन को अच्छे से हीट करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे बटर, और बटर जब अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च। तो यहाँ पे मैं दो हरी मिर्च को छोटे छोटे इस तरीके से कट कर ली हूँ। और अब हम इसमें ऐड करेंगे एक प्याज, और इसे भी अच्छे से चॉप कर लेंगे इस तरीके से, और सौते करेंगे हम इसे 3 से 4 सेकंड के लिए, सॉरी मिनट के लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे कैप्सिकम और टमाटर। तो टमाटर की सीड्स को हम लोग रिमूव कर लेंगे, और कैप्सिकम और टमाटर को सेम साइज़ में इस तरीके से कट कर लेंगे, और इसे भूनेंगे 3 से 4 मिनट तक। अब हम इसमें ऐड करेंगे मटर, और मटर को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे टमाटर और कैप्सिकम के साथ। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो पानी हम अपने अकॉर्डिंग ऐड कर लेंगे जिसमें मैगी हमारा अच्छे से डूब जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे रेड चिली पाउडर और मैगी टेस्ट मेकर 1 पैकेट। तो इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जब भी न्यू रेसिपी अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैगी। जब इसमें अच्छे से बॉयल आ जाए, इसे हम मीडियम फ्लेम पर अच्छे से बॉयल आने देंगे, और जब ये अच्छे से बॉयल आ जाएगा इसमें, तब हम इसमें ऐड कर देंगे मैगी। तो यहाँ पे मैं 1 मैगी का पैकेट यूज़ कर रही हूँ। आपको जितनी भी बनाना हो आप उस अकॉर्डिंग डाल सकते हो। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक एज़ पर टेस्ट, और वेजिस आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो, आपको जो भी पसंद हो। आप इसमें गाजर, कॉर्न कुछ भी ऐड कर सकते हो। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम टैम फॉर कुक पे। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से फोक की हेल्प से। तो अब हम मैगी को कुक करेंगे 7 से 8 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पे, ताकि मैगी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो आप इसमें रेड चिली पाउडर को स्किप कर दीजिए, और बाकी तो ये बहुत ही हेल्दी है क्योंकि इसमें बहुत सारे वेजीज ऐड है। अगर आपके बच्चे भी हरी सब्जी खाने से मना करते हो तो आप उन्हें इस तरीके से बना कर दीजिए, उन्हें बहुत पसंद आएगा। तो हम इसे घुमाते रहेंगे और बन जाएगा मैगी। तो मॉनसून और मैगी का बेस्ट कॉम्बिनेशन। आप मैगी को किसके साथ खाना पसंद करोगे? चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक कुछ तो होगा, तो आप मुझे वो कमेंट में बताना आपको क्या पसंद है, या फिर सिंपल सिर्फ मैगी दे दो खा लेंगे इस तरीके से। तो ये हमारा 5 मिनट हो चुका है मैगी को चलाते हुए, और अगर आप ये नहीं ट्राई किए हो तो प्लीज़ जाकर ट्राई करो, और आप मुझे कमेंट में बताना आपको ये पसंद आया नहीं आया, या फिर मैं कुछ और ट्राई करूँ आप मुझे वो भी कमेंट में बताना, ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट रेसिपी आपके अकॉर्डिंग ला सकूँ। और ये आप देख रहे हैं पानी अच्छे से अब्सॉर्ब हो चुका है। अब हम लास्ट में इसमें धनिया पत्ता ऐड कर देंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो कर भी सकते हो और नहीं भी, और इसे मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा गर्मा गर्म मैगी बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। तो आप भी इसे बनाओ और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय करो। आई होप आपको आज के मैगी की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मैं खाने, अब आप भी खाओ। बाय।